हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। हम बनाएंगे आज रेजिन की क्लॉक, ठीक है। गैलेक्सी थीम के साथ मैंने ये बनाई है। अब हम देखते हैं ये मैंने कैसे बनाई है। जो जो मटेरियल चाहिए वो मैं आपको बताती जाऊँगी। ये देखें, सबसे पहले हमने गोल कैनवस लिया राउंड शेप में 16 इंचज का। ये स्टोन्स में कुछ गोल्डन कलर की यूज़ कर रही हूँ। ये कुछ ग्लिटर था, चंकी ग्लिटर था, वो मैंने यूज़ किया इसके अंदर। सबसे पहले मैंने स्टोन्स को और ये जो चंकी ग्लिटर है इसको थोड़े से रेजिन में मिक्स करके जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था, जो लाइंस, जो मतलब थीम मैंने सोचा हुआ था, वो मैंने कैनवस पे ड्रॉ कर लिया और उसके ऊपर मैंने ये इसकी लाइंस बनाना शुरू कर दी। ये बहुत थिक लाइंस नहीं बनानी और बहुत थिन भी नहीं बनानी। थिक क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब ऊपर उसकी मशीनरी हम लोग लगाएंगे क्लॉक की, तो उसकी पिंस इसके साथ टकरा सकती हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये थोड़ी थिन लेयर लगानी है इसकी। दोनों साइड्स पे ऐसे लगती जाएंगी। जल्दी से मैं आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करके आगे दिखाती हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं आपको पिगमेंट्स दिखा रही हूँ। ये ब्लैक पिगमेंट यूज़ किया है इसके अंदर मैंने। ये ब्लैक पिगमेंट पेस्ट थी, पाउडर फॉर्म में नहीं थी। ये पाउडर फॉर्म में था ट्रे, और गोल्डन भी पाउडर फॉर्म में था। जो प्लम कलर यूज़ किया मैंने, ये भी पिगमेंट पेस्ट थी, पाउडर में नहीं था। ये वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि तब तो इतना होश ही नहीं होता कि मैं कुछ बोल के आपको सिखा पाती। ये क्लॉक मैंने बहुत जल्दी में डिसाइड किया। एक्चुअली मैं किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, उसका रेजिन थोड़ा सा बच गया तो मैं फंस गई। फिर मैंने सोचा मैं ये कर लेती हूँ, क्लॉक बना लेती हूँ, और विद इन फ्यू मिनट्स मैंने ये सोचा, थीम सोचा, और जल्दी से उस पर काम स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, मैं इसकी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ गोल्डन की। फॉस्फॉरवर्ड इसलिए लगाया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, पर आपको समझ ठीक से आ जाए, और आई होप आपको समझ तो आ रही होगी हर स्टेप की। रेजिन की वही रेशो मैंने यूज़ किया जो मैं आपको पहले बताती हूँ, 2:1, यानी दो हिस्से रेजिन के और एक हिस्सा हार्डनर का। ये ग्रे कलर है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लिक्विड भी डाला था, लिक्विड पेस्ट जो है वो सिल्वर की डाली थी ताकि उसका टेक्सचर अच्छा बन जाए। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा फ्लिप कर रही हूँ ताकि वो कलर जो है वो स्प्रेड हो जाए एक ही जगह पे बैठा हुआ था। कैनवस है तो कैनवस पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। जहाँ से मैंने कैनवस लिया था वो लोग मुझे मना कर रहे थे, वो कह रहे थे आप इस पर रेजिन का काम नहीं करें, ये कैनवस होता है फैब्रिक पे, तो फैब्रिक से जो है वो रेजिन आपका निकल आता है बाहर। लेकिन मैंने ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ, बड़ा मज़े का बना, तो अच्छा है ये, बहुत सस्ते में तैयार हो जाती है आपकी क्लॉक। बाकी अगर मैं हार्डबोर्ड कट करती, ऐसे वो भी करूँगी, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा है। ये आपको रेडीमेड कैनवस राउंड में मिल जाता है, आप जिस मर्ज़ी साइज़ में ले लें। मैंने 16 इंचज़ का लिया, आप इससे बड़ा या इससे छोटा भी ले सकते हैं। 16 इंचज़ वैसे इनफ है, बहुत होता है इतना। ये देखिए, मैंने ये नंबर्स बना के रखे हुए थे, ये भी मैंने रेजिन के बनाए हुए थे। इसका भी मोल्ड मिल जाता है इजीली, जिसमें आपके चॉकलेट्स बनाते हैं, कैंडीज बनाते हैं ना, सिलिकॉन का वो यूज़ किया था मैंने। नंबर्स पहले से बना के रखे हुए थे तो फिर मुश्किल नहीं हुई, जल्दी से बन गया था। कैसी बात है, 10 मिनट के अंदर अंदर, 5 मिनट के अंदर मैंने डिसाइड किया और बना भी ली क्लॉक। वीडियो भी आ गया आपके सामने। तो जी चलो जी, मैं ये इसके साइड पे रेजिन इसलिए डाल रही थी प्लेन, ताकि वो फिक्स हो जाए अच्छे से। अगर किसी जगह पे रेजिन थोड़ी कम भी है
तो जो हमारे नंबर्स हैं वो अच्छे से फिक्स हो गए। ये देखें जी, क्लॉक रेडी, कितनी हसीन बनी है ना। बाकी अगला वाला प्रोसेस तो आपको पता होगा ना, कैसे मैंने उसके अंदर ड्रिल करके और उसकी जो मशीनरी थी वो डाली। ठीक है, अब ये मशीनरी फिक्स करके भी मैंने आपको दिखा दी कंप्लीट वीडियो के साथ। इतना इजी था ये, बहुत इजीली तैयार हो जाती है क्लॉक। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जी, अगर थोड़ा सा दिल करे तो वीडियो को शेयर भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।